हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो गर्भवती महिला होती है उसको शुरुआत में कौन कौन से चिन्ह और लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं, जिसके थ्रू हम आसानी से पता कर सकते हैं कि जो महिला है उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब वो एग्जाम चाहे एएनएम का जो बच्चा है वो कर रहा हो, चाहे जेएनएम के बच्चे कर रहे हो, चाहे मेडिकल पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स आपने कर रखा है, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन सिम्टम है प्रेगनेंसी के उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, साथ में जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते चलेंगे विद क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसको मैंने सिलेक्ट करके रखा है और उसके थ्रू भी हम पढ़ाई करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर पाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी की। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि साइन और सिम्टम में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, साइन की, तो साइन का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई चिन्ह जो हमें दिखाई देता है। जैसे कि आप जब रोड पे चलते हैं तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे साइन बोर्ड होते हैं जो लगे होते हैं। जैसे अगर हम अपने घर से निकल रहे हैं और मेन जो हाईवे वाला रोड होता है वहां पे जा रहे हैं, या फिर जो लोकल रोड होती है वहां पे जा रहे हैं, तो अगर वहां आसपास कोई स्कूल है या फिर कोई लाइब्रेरी है या फिर कोई ऐसा रेलवे स्टेशन है, मतलब या फिर बस स्टैंड है, तो आप देखेंगे कि साइन बोर्ड लगे रहते हैं और उस पे लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, स्कूल है, या फिर अगर कोई काम कहीं पे चल रहा है तो भी लिखा रहता है रोड वगैरह पे कि आगे गति अवरोधक है। तो मतलब ये जो साइन बोर्ड लगे रहते हैं ये क्या, ये हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इस बोर्ड के पहले क्या वर्ड जुड़ा है, साइन वर्ड जुड़ा है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि साइन का मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह का मतलब होता है कि जो इजिली हमको विजुअल हो, जो इजिली हमको क्या हो, विजुअल हो, मतलब कि हमको दिखाई दे अपनी आंखों से, उसको हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे महिला की प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है, जेस्टेशनल एज बढ़ती है, वैसे वैसे उसके गर्भाशय का साइज बढ़ता है, तो ये चीज हमको दिखाई देगी। अगर महिला के पैरों में सूजन है तो हमको दिखाई देगी, अगर महिला की आंखों का कलर चेंज है तो हमको दिखाई देगा, फेस पे सूजन है हमको दिखाई देगा। यहीं पे अगर हम सिम्टम की बात करें, किसकी बात करें, सिम्टम की बात करें, तो इसका मतलब होता है लक्षण। अब लक्षण क्या होता है, लक्षण जो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है ये क्या होता है, ये फीलिंग्स होती हैं, एहसास होता है। जैसे कि जो महिला है वो बताए कि उसको क्या हो रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, या फिर उसको खट्टा या मीठा खाने का मन कर रहा है, तो ये क्या है, ये महिला का अंदर का एहसास है जो हमको वो बताती है एज अ क्या, सिम्टम, मतलब लक्षण के रूप में। तो इसको हम अपने थ्रू विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, ये महिला ही बताएगी जो सिम्टम्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि शुरुआत में जब महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो कौन कौन से लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं या कौन कौन से चिन्ह होते हैं, तो फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट है इसमें एमनोरिया। अब एमनोरिया क्या है, तो एमनोरिया का मतलब होता है कि जो महिला होती है उसको पीरियड नहीं आते हैं, उसको पीरियड मिस हो जाते हैं, पीरियड उसको बंद हो जाते हैं। तो अब जो महिला है उसको मे बी ये डाउट रहता है कि शायद उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है, तो वो कहाँ पे आती है, किसी डॉक्टर के पास जाती है, नर्स के पास जाती है, या किसी हेल्थ वर्कर के पास जाती है। मतलब कि अगर वो गांव एरिया में है तो अगर गांव में क्या है, सब सेंटर है, तो वो एनम बहन जी के पास जा सकती है, अपनी आशा बहन जी के पास जा सकती है। अगर कोई प्राइवेट वहां पे हॉस्पिटल है तो वहां पे जो नर्स होती है उनके पास जा सकती है, या फिर डॉक्टर के पास जा सकती है, मतलब वो अपनी सुविधा के अनुसार जाएगी। तो वहां पे क्या होगा कि जो भी महिला होगी उसका क्या होगा, प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। अब ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ये कैसे करते हैं, ये हम किट के माध्यम से करते हैं। तो अगर जब किट में हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसके दौरान अगर क्या होगा कि जो किट होती है उसमें डबल लाइन आई, इसका मतलब क्या होता है कि महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है, इस वजह से उसको पीरियड नहीं आए। लेकिन अगर यहीं पे सिंगल लाइन आई तो इसका मतलब क्या होता है कि महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है, ये किसी दूसरी वजह से है कि महिला को पीरियड नहीं आए हैं, तो अब यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम प्रेगनेंसी के साइन पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं किसके बारे में, एमनोरिया के बारे में। अब एमनोरिया होता क्या है, ये साइन है या फिर सिम्टम है, तो एमनोरिया क्या है, एमनोरिया एक सिम्टम है, एक लक्षण है। क्यों, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, महिला हमको बताएगी कि उसको पीरियड नहीं आया, अब हमको देख के पता नहीं चलेगा कि महिला को पीरियड आया या फिर नहीं आया, वो तो जब हम जांच करेंगे तब हमको पता चलेगा कि अच्छा महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है इसीलिए इसको पीरियड नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या है, एमनोरिया, एमनोरिया क्या है, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मतलब कि इसका मतलब होता है कि अब्सेंस ऑफ पीरियड या फिर मेंसेस, पीरियड्स को हम मेंसेस भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि सिर्फ जो टर्मिनोलॉजी है उसको दे देगा और फिर उसके बारे में पूछ देता है, या फिर उस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है वो दे देगा और फिर नीचे चार ऑप्शन सिमिलरली दे देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रखा है,
रिलेटेड टू एमनोरिया। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्सेंस ऑफ पीरियड या फिर मेंसेस, जैसा कि मैंने अभी बताया, अब किसी भी महिला को अगर पीरियड्स उसके बंद हो गए हैं, अब्सेंट हो गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर पीरियड पूरी तरह से बंद हो गया है एक समय पे, जैसे कि महिला की जो उम्र है वो 45-50 प्लस हो चुकी है, तो क्या होता है पीरियड हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। तो वो भी एक टर्मोलॉजी है लेकिन वो अलग चीज है। यहाँ पे क्या है कि प्रेगनेंसी की वजह से जो महिला है उसके पीरियड मिस हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब्सेंस ऑफ पीरियड या फिर मेंसेस। तो मेडिकल टर्मोलॉजी में हमको क्या बोलते हैं, एमनोरिया। अब यहाँ पे सवाल आपका, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, उसके बाद चार ऑप्शन दे दिया, कौन दिया, पहला है डिसमेनोरिया, दूसरा है एमनोरिया, तीसरा है एपीमेनोरिया और चौथा है अल्गोमेनोरिया। अब अगर आपको मेडिकल टर्मोलॉजी में ये पता होगा कि हाँ अब्सेंस ऑफ पीरियड ऑफ मेंसेस का मतलब क्या होता है, तभी आप लिख पाएंगे। तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा है, तो डिसमेनोरिया क्या मतलब होता है, डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंसेस या फिर पीरियड, मतलब जब पीरियड्स के दौरान किसी महिला को बहुत अधिक दर्द होता है तो उसको हम डिसमेनोरिया बोलते हैं। तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, एमनोरिया। एमनोरिया का मतलब हमको पता है अब्सेंस ऑफ पीरियड होता है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, एपीमेनोरिया। तो एपीमेनोरिया का मतलब क्या होता है, जब किसी भी महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र का जो समय होता है, वो 25 दिन या फिर 21 दिन से कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एपीमेनोरिया। जैसे क्या था कि अगर किसी महिला को जो पीरियड है, मान लीजिए वो 28 दिन या फिर 30 दिन पर कंटिन्यू आ रहे थे हर महीने, लेकिन अभी क्या हुआ कि उसको हर 20 दिन पे पीरियड आ रहे हैं, 20-20 दिन पे पीरियड आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा एपीमेनोरिया, जिसको हम पॉलीमेनोरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओलिगोमेनोरिया। तो ओलिगोमेनोरिया क्या होता है, ओलिगोमेनोरिया में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका जो साइकिल होता है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि नॉर्मल मान लीजिए महिला को 28 से 30 दिन पे पीरियड आ रहे थे, मतलब पहले उसको जिस भी डेट को पीरियड आए, अगले महीना में जब 28 दिन या 30 दिन उसको पूरे हुए तो फिर दूसरा पीरियड उसको आया। लेकिन जब ओलिगोमेनोरिया होता है तो इसमें जो ये पीरियड्स का चक्र होता है ये बढ़ जाता है, मतलब कि जो महिला है उसको 35 दिन या फिर 40 दिन पर पीरियड आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देता है, इसे मेडिकल टर्मोलॉजी याद करना जरूरी है। नेक्स्ट इसमें सेकंड क्या है, नोजिया एंड वोमिटिंग। जो महिला होगी उसको क्या महसूस होगा, उसको जी मिचलाएगा और उसको उल्टी जैसा महसूस होगा। तो ये क्या है, ये भी एक लक्षण ही है। तो ऐसा क्यों होता है शुरुआत में ही महिला को, ऐसा इसलिए होता है कि जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो उसके बाद धीरे धीरे उसके सेल डिविजन होते हैं। जैसे क्या हुआ कि जैसे फीमेल है, फीमेल में जो गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, और मेल जो गैमेट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम स्पर्म बोलते हैं। तो जब ये एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या बनता है, जायगोट बनता है। अब ये जो जायगोट है जब बन जाता है तो फिर इसमें सेल डिवीजन होता है, फिर जब 16 सेल डिवीजन पे पहुंचता है तो उसको हम मोरूला बोलते हैं। तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मुरुला बना, मुरुला के बाद क्या बनता है, फिर उसमें ब्लास्टोसिस्ट बना। अब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसमें भी लेयर बनती है, तो वहां में एक, वहां जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसकी एक लेयर होती है जिसको हम सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और वहीं से क्या होता है कि जो एचसीजी हार्मोन्स होता है इसका सिक्रेशन होता है, ये निकलता है। और यही एचसीजी हार्मोन्स ये बताता है कि महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं किट के द्वारा। किट में जब दो लाइन आती है तो ये एचसीजी हार्मोन्स की वजह से ही आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। तो ये जो एचसीजी हार्मोन्स होता है, ये जो कोरियोनिक विलाई नाम दिया गया है। अब जब आप ब्लास्टोसिस्ट के बारे में और ट्रोफोब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हार्मोन्स होता है यही इंडिकेट करता है कि महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, और इसका लेवल बढ़ने की वजह से ही जो महिला होती है उसको उल्टी और जी मिचलाने की समस्या होती है। तो ये सिर्फ इस हार्मोन्स की वजह से होती है, और ये हर महिला को लगभग होती है। रेयर ही किसी महिला को ऐसा होता है कि उसको नोजिया वोमिटिंग नहीं होती, मतलब जी मिचलाने की समस्या नहीं होती। तो ये शुरुआत में ही पता चलने लगता है, जैसे ही महिला का जो पीरियड होता है वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए बढ़ता है समय उसका, वैसे ही उसको जी मिचलाने की समस्या हो जाती है। फिर महिला समझ जाती है कि उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है। नेक्स्ट क्या होता है, ब्रेस्ट चेंजेस। जो महिला होती है उसके जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें भी चेंजेस शुरू हो जाते हैं। कैसे चेंजेस शुरू हो जाते हैं, उनका साइज बढ़ने लगता है, जो उनका एरियोला होता है उनका कलर चेंज होने लगता है। तो इसकी भी मैंने ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे अलग से वीडियो बना रखी है,
उसको देख लीजिएगा कि मैंने बताया हुआ कि जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, साथ ही क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ब्रॉड में पढ़ना है तो अलग वीडियो में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। जो महिला होती है उसको बार बार यूरिन जाने का अर्ज होता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे टॉयलेट लगी है, मुझे जाना चाहिए। क्या है, फूड क्रेविंग। फूड क्रेविंग का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी स्पेशल चीज होगी जो महिला को खाने का मन करेगा। जैसे बहुत सारी महिलाओं क्या होता है, खट्टी चीजें खाने का मन करता है, बहुत सारी महिलाओं को मीठी चीजें खाने का मन करता है, बहुत सारी महिलाओं को चाय की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो जाती है कि मतलब उनको चाय बहुत अधिक अच्छी लगती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखा जाता है कि महिलाओं में कुछ ऐसा विशेष होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसी को बोलते हैं फूड क्रेविंग। तो ये लक्षण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, फटीग। उसको बहुत ज्यादा थकान जैसा भी महसूस होता है महिला को। नेक्स्ट आता है स्पॉटिंग। तो स्पॉटिंग किसी किसी महिला में होता है, लेकिन ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का ही साइन होता है। जब इम्प्लांटेशन होता है कि ये जैसे महिला का गर्भाशय है, ठीक है, अब ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है, अब यहाँ पे ओवरी है, तो ओवरी से क्या निकला, अंडा निकला, जो मेच्योर परिपक्व अंडा है वो बाहर आया, फिर यहाँ से क्या होती है, फिम्ब्री होती है, उन्होंने अंडे को कैच किया, फिर वो यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या होता है, एम्पुला वाला भाग होता है। अब जो एम्पुला वाला भाग होता है इसी में फर्टिलाइजेशन का वर्क होता है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी यहाँ पे सॉल्व हो गया कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है, तो कहाँ पे होता है, एम्पुला में होता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एम्पुला वाले भाग में फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जब जो भी कंसेप्शन का प्रोडक्ट होता है, मतलब जो जायगोट होता है, अब यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है और 11वें दिन वो कहाँ पहुंचता है, गर्भाशय में पहुंचता है। अब गर्भाशय में वो किधर भी हो सकता है, एंटीरियर पोस्टीरियर अपर डाउन कहीं पे भी हो सकता है। तो वहां पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। जब इम्प्लांटेशन होता है तो जो जायगोट होता है उसमें शुरुआत में क्या हुआ कि सेल डिवीजन हुआ, जैसा कि मैंने बताया अभी, सेल डिवीजन हुआ, मोरूला बना, उसके बाद क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बना, ट्रोफोब्लास्ट बना, फिर इनर सेल मास बनी, फिर कोरियोनिक विलाई बनी। तो जो कोरियोनिक विलाई होती है वही आके यहाँ पे इम्प्लांट होती है, मतलब यहाँ पे धसती है, यहाँ पे अपनी जगह बनाती है और इस जो गर्भाशय की दीवार होती है उससे चिपकती है। तो अब यहाँ से गर्भाशय की दीवार में चिपकने के लिए क्या करती है, जो ये कोरियोनिक विलाई होती है इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है यही गर्भाशय की जो अंदर वाली दीवार होती है उसमें जगह बनाता है, मतलब कि वहां पे घुस के जगह बनाता है, ठीक है। तो इस वाले एरिया को क्या करेगा, थोड़ा सा पिक करता है और इस वजह से वहां से हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है और वही ब्लीडिंग वजाइनल ट्रैक के थ्रू बाहर आती है, जिसको हम स्पॉटिंग कहते हैं, मतलब कि हल्का फुल्का एक या दो ड्रॉप ब्लड का महिला को दिख सकता है। तो ये दिक्कत की बात नहीं होती, स्पॉटिंग किन्हीं किन्हीं महिलाओं को हो जाती है, लेकिन अगर स्पॉटिंग के साथ दर्द हो रहा है तब वो एबनॉर्मल होता है। नेक्स्ट क्या है, मूड स्विंग। मूड स्विंग का मतलब क्या होता है कि जो महिला का मूड होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, कभी वो बहुत ज्यादा खुश रहेगी, कभी उदास हो जाएगी, कभी बहुत ज्यादा बात करने की उसकी इच्छा होगी, कभी वो खुद को अकेला महसूस करेगी या फिर अकेला रहना उसको पसंद होगा, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा वो इरिटेटिव हो जाएगी। तो ये जो मूड स्विंग की समस्या होती है ये भी किन किन महिलाओं में हो जाती है और ये किस वजह से होती है, ये होती है हार्मोन्स की वजह से। ये किस वजह से होती है, हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होते हैं, मतलब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था अब नया एसटीजी हार्मोन्स महिला के शरीर में बन रहा है, साथ ही जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसका भी लेवल प्रेगनेंसी के दौरान हाई हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं और इस वजह से भी जो महिला का मूड होता है वो प्रभावित होता है। तो ये स्टार्टिंग के लक्षण होते हैं। अब अगर एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आई होप कि आप उसको क्लियर कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको इसमें से कोई भी दे रहा है और आपसे पूछ दे रहा है, जैसे आपसे यहाँ से पूछ दिया अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी, याद रखिएगा कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, साइन की बात कर रहा है, मतलब कि चिन्ह की बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि चार ऑप्शन दे देगा, उसके बाद आपसे पूछ देगा, हो सकता है उसमें उसने क्या दे रखा हो, मान लीजिए एमनोरिया दे दिया, नोजिया एंड वोमिटिंग दे दिया, तीसरा क्या है, फटीग दे दिया, चौथा क्या दिया, ब्रेस्ट चेंजेस दे दिया। तो अब जब आपको पता रहेगा कि इसमें से साइन कौन सा है और सिम्टम कौन सा है तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो एमनोरिया ये क्या है, ये एक सिम्टम है, एक लक्षण है, क्योंकि ये हमको पता नहीं चलता है। नोजिया वोमिटिंग क्या है, ये भी एक लक्षण है,
फटीग क्या है ये भी एक लक्षण है, क्योंकि हमको देख के थोड़ी ना पता चलेगा। महिला बताएगी कि उसको अंदर से बहुत ज्यादा थकान जैसा महसूस हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है, तब हमको पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रेस्ट चेंजेस। तो ब्रेस्ट चेंजेस क्या, हमको ये दिखेगा कि जो महिला है उसके ब्रेस्ट में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पे अर्ध शब्द दिया है मतलब की शुरुआत के, और दूसरा क्या है साइन दिया है मतलब चिन्ह, और क्या है प्रेगनेंसी गर्भावस्था में शुरुआत में कौन से चिन्ह है जो दिखेंगे। तो यहाँ पे ब्रेस्ट चेंजेस हमको दिखेंगे, क्योंकि जो ब्रेस्ट होता है उसका शेप साइज भी बढ़ जाएगा, साथ ही जो एल्यूला होता है और उसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट मोल्टोगुमेंट्री साइन भी हमको दिखेगा, जो मोल्टोगुमेंट्री ट्यूबरकल्स होते हैं वो भी, उसके जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी हमको विजुअल होने लगेंगी, दिखाई देने लगेंगी, उनमें भी उभार आने लगता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं। जब कोई भी महिला प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जाती है डॉक्टर के पास या फिर स्टाफ नर्स के पास या सीपीएनएम के पास, मतलब किसी भी हेल्थ वर्कर के पास, तो ये कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उनको देखने रहते हैं, और इसी के थ्रू पता चलता है कि महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो ये प्रेगनेंसी के सभी अर्ली साइन सिम्टम होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे महिला की गर्भावस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके जो चिन्ह होते हैं लक्षण होते हैं वो बदलते जाते हैं। तो इसमें भी जैसे प्रिजम्पटिव साइन होते हैं और भी बहुत सारा होता है, तो इसका भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख लीजिएगा, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आपको ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ये क्लियर हो जाएंगे, और इसके बीच बीच में जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, तो आपकी जो तैयारी होगी बहुत ही अच्छी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।